एक कहावत है, कहावत ये है कि सच जब अपने जूते के फीते बांध रहा होता है, झूठ तब तक दुनिया का आधा चक्कर लगा लेता है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि लोगों के पास सच से पहले झूठ पहुंचता है, और लोगों की मानसिकता इस तरह की है कि जो चीज़ पहले पहुंचती है लोग उस पर ही विश्वास कर लेते हैं। अब क्योंकि झूठ पहले पहुंचता है तो लोग झूठ को ही सच मान लेते हैं। पर हाँ, झूठ की खूबी भी है, अच्छी बात भी है कि झूठ अंततः झूठा साबित हो जाता है। तो आज हम आपको सच झूठ के इस बारीक फर्क के बारे में क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए कि सच झूठ के बीच के बारीक फर्क को न करने की प्रवृत्ति के चलते ही हमने, हमारी मीडिया ने आरोपी और अपराधी को भी एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द बना दिया है। अब ये आरोपी अपराधी क्या है? तो एक सामान्य सा इंसान अगर वो कानून की सामान्य समझ रखता है तो उसे इतनी समझ पता हो कि आरोपी वो होता है जिस पर आरोप लगाए जाते हैं। आरोपी कोई भी बन सकता है। मैंने आप पर आरोप लगा दिए, आपने मुझ पर आरोप लगा दिए, हम दोनों आरोपी हो गए। तो अपराधी कौन होता है? अपराधी वो होता है जिस पर लगाए गए आरोप साबित हो जाए, यानी ये साबित हो जाए कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं, जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वो सही है। तो तब आप आरोपी नहीं रहते, तब आप अपराधी बन जाते हैं, और अपराधी बनने के बाद ही आपको सजा मिलती है। लेकिन इस आरोपी और अपराधी के बीच के बुनियादी फर्क को भुला कर ही मीडिया ने मी टू मूवमेंट में बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था। इस बवाल को आज याद करने का कारण यह है कि कल एक फैसला आया है, फैसला मी टू आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मी टू आंदोलन के तहत ही पिछले साल एक्टर डायरेक्टर विंता दास ने बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आलोक नाथ पर अपने साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप यह था कि 20 साल पहले आलोक नाथ ने उनके साथ दुष्कर्म किया था। अब क्योंकि मी टू मूवमेंट चल रहा था, उस समय देश में कोई भी कहीं से भी खड़े होकर किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा दे रहा था, और आरोप को बिना किसी जांच पड़ताल के सच मानकर मीडिया भी जिस पर आरोप लगाया है उसको आरोपी की बजाय एक अपराधी की तरह पेश कर रही थी। तो इस कड़ी में आलोकनाथ को भी लगभग सभी ने विलेन की तरह पेश किया। पर हुआ क्या? कल कोर्ट में क्या हुआ? कल कोर्ट में जो तथ्य, जिन तथ्यों को, जिन आरोपों को विंता दास ने लगाए आलोकनाथ पर, उसको सच मानकर मीडिया आलोकनाथ को एक विलेन की तरह पेश कर रही थी, उनके संस्कारी टैग का मजाक उड़ा रही थी, उन्हीं आरोपों को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संदेह की नजर से देखा है। जी हाँ, कोर्ट ने आलोकनाथ को राहत देते हुए कहा है कि विंता दास द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया उन्हें फंसाने के लिए, आलोकनाथ को फंसाने के लिए लगाए गए आरोप प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि फंसाने की कोशिश की गई है। और यही कारण है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन से भी उनको छूट मिल गई है, जमानत तो मिली गई, साथ ही उन्होंने पुलिसिया पूछताछ पे भी रोक लगा दी कि कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि ये ठीक है कि 376 के तहत रेप और 377 के तहत अप्राकृतिक सेक्स के मामले में शिकायत दर्ज करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन 20 साल पहले जो हुआ, आपको उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, पर दुर्भाग्य से आप कह रही हैं कि आपको उस डेट या महीना उसके बारे में कुछ नहीं पता है। आप आलोकनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती हैं तो दो दो एफआईआर कॉपी है और दोनों में अलग अलग बातें लिखी गई है, ऐसा क्यों? दूसरी बात यह कि आप कह 20 साल बाद आपने केस दर्ज कराया, कोई बात नहीं, पर इस बात के तो कहीं सबूत नहीं है कि आलोकनाथ ने आपको धमकाया हो कि आप तब केस ना करें, या फिर आलोकनाथ ने सबूत मिटाने की कोशिश की हो। तो कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट पहला आया है वो साफ करता है कि इस केस में आलोकनाथ वैसे नहीं है जैसा हमारी मीडिया द्वारा हमें दिखाया गया, जैसा विनीता दास ने आलोकनाथ को पेश किया है। तो सवाल क्या खड़ा होता? सवाल ये खड़ा होता कि कल को आलोकनाथ बरी भी हो जाए, हम यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं दे रहे, ना कि कोर्ट ने जजमेंट दी है। कोर्ट ने भी सिर्फ कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, पर हमें कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया ही सही, इसमें अगर मगर की बात आई ना, कहने का मतलब ये सवाल खड़ा हुआ ना कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर जिस तरह का मोमेंट चल रहा था उसमें
जिस पर आरोप लगा उसको लोगों ने अपराधी बना दिया, और इस प्रवृत्ति के चलते क्या हुआ, कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई या कईयों की तो जिंदगी खत्म हो गई। जी हाँ, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मी टू मूवमेंट में फंसने के चलते आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो समाज का मुकाबला नहीं कर पाए, उस समाज का जो सिर्फ आरोप लगने पर ही आपको अपराधी घोषित कर विलेन बना रहा था उस समय। कई लोगों ने जो बॉलीवुड में ही हैं, कई लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, गनीमत रही कि उन्हें बचा लिया गया, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली और उनकी मौत हो गई। तो इन मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या जिन्होंने उन पर आरोप लगाए, अगर वो आरोप सच नहीं हो गए तो क्या उन पर हत्या का मुकदमा चलेगा? क्योंकि मी टू जो कैंपेन था उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके विरोध में नहीं, हम समर्थन करते हैं उसका, पर हमको जो मैंने शुरू में कहा आरोपी और अपराधी इन दोनों के बीच फर्क करना होगा, हमें समझना होगा कि हम किसी को भी ऐसे ही राह चलते अपराधी नहीं बोल देंगे कि आपने अपराध किया है, हम उस पर आरोप लगाएंगे और उसको भी उसका पक्ष रखने देंगे। और पक्ष कहाँ रखेगा वो? कोर्ट में। तो तय कौन करेगा? कोर्ट, ना कि मीडिया और हम। जब हम और मीडिया तय करने लगेंगे तो इस तरह के मामले सामने आने लगेंगे कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो यूआई भी यही कह रहा है, यूआई ने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा था कि इस मीटू मूवमेंट का दूसरा पहलू क्या है। तो हम यही चाहते हैं कि मीटू मूवमेंट जो है बहुत अच्छी पहल है, महिलाओं का शोषण होता है, उनके खिलाफ बोले, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि इसका दुरुपयोग ना हो और इसका दुरुपयोग को बढ़ावा भी ना मिले। बढ़ावा कब मिल रहा है? जब जो भी आरोप लगा दे रहे हैं आप उसको सच मान ले रहे हो। नहीं, आपने आरोप लगाया, आपने बात कोर्ट में जाइए, कंप्लेंट दर्ज कीजिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत आप अपराधी साबित कीजिए, आपके साथ सब खड़े हैं। लेकिन आप जो कह देंगी वो पत्थर की लकीर हो जाएगा और लोग उसको मान लें और आपके कहे पर ही उसको सजा दे दें, तो ये सही नहीं है। और आलोकनाथ का केस एक उदाहरण बन सकता है इस मामले में कि किस तरह उन पर आरोप लगाए गए और आरोपों के आधार पर ही उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ आपने किया था। तो मीडिया भी बलात्कारी कहने के बजाय कथित बलात्कार कहे तो बेहतर होगा। मैं रोशन शास्त्री की यूआई के लिए, धन्यवाद।